हेलो फ्रेंड्स, टुडे वंस अगेन वेलकम टू माय टू चैनल एम अरुण। तो आज आपका कोई फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जिस जहाँ पे आपको मिलते हैं कोर्सेज के डिटेल्स। तो आज एक और कोर्स लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक नए कोर्स के बारे में, जिसका नाम है मास कम्युनिकेशन। मैं आज आपको इसके कोर्स के बारे में बताऊँगा कि आप कैसे आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है इस कोर्स के लिए, और कैसे कैसे आप किस फील्ड में जा सकते हैं, अपना फ्यूचर किस फील्ड में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स के लिए आपकी क्वालिफिकेशन प्लस टू पास होनी चाहिए, चाहे आपने प्लस टू पास अपने किसी स्ट्रीम से करी हो, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज हम मास कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। देन व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास का मतलब होता है जन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है संचार, जन संचार। तो फ्रेंड, जब भी हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि किसका क्या मतलब होता है। तो मास कम्युनिकेशन का मतलब होता है जन संचार। मास कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब होता है जैसे कि कोई एक न्यूज़ जस्ट अभी अपडेट हुई हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। जैसे कि आपको किसी भी माध्यम से वो पता लगती हो, टेलीविज़न, रेडियो, फोन्स, उसको मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको मास कम्युनिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये बाय यूट्यूब या कैसे भी, जो भी आप जैसे भी सुनेंगे, तो ये भी एक मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन एक ऐसा कोर्स है जिसको कि करने के बाद आपकी पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, आपकी पर्सनैलिटी, वे ऑफ टॉकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड और सब कुछ, क्योंकि इस कोर्स में आपकी लाइफ बहुत बिजी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मास कम्युनिकेशन में आपका आप अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं, लाइक एंकर, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, कॉपीराइटर, डायरेक्टर, ब्रांड मैनेजर एंड मीडिया प्रोग्रामर एंड और भी बहुत से। यू कैन ऑल्सो डू स्पेशलाइजेशन इन रेडियो, टेलीविज़न, राइटिंग, डिज़ाइन, साउंड एंड और भी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस कोर्स को करने के लिए आपको कौन सी डिग्री चाहिए, और इंडिया में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं, और कौन सी स्ट्रीम में आप अपना कैरियर बना सकते हैं, तो इसके बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट नंबर पे है बैचलर इन मास मीडिया, सेकंड नंबर पे है बैचलर इन मास कम्युनिकेशन, थर्ड नंबर पे है बैचलर इन मीडिया स्टडीज़, फोर्थ नंबर पे है बैचलर इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, एंड फिफ्थ नंबर पे है बीए इन जर्नलिज्म, एंड सिक्स नंबर पे है बीए इन कम्युनिकेशन एंड मीडिया। मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूँ, जो मैंने कोर्सेज के नाम बताए वो आप किसी स्ट्रीम से कर सकते हैं, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ कॉलेज के नाम, जो कि ये टेस्ट इस कोर्स को करवाने से पहले आपके कुछ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो कोर्सेज हैं वो आपके सारे 3 ईयर के कोर्सेज हैं। फर्स्ट नंबर पे है SJ एग्जीबिशन, जो कि मुंबई में है। फ्रेंड्स, ये कॉलेज अपना टेस्ट की डेट फर्स्ट वीक ऑफ मई में ओपन कर देता है, और लास्ट वीक ऑफ मई तक आप अपना टेस्ट फिलअप कर सकते हैं, और जो आपकी टेस्ट की डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ जून तक हो जाती है। और इसके लिए आपका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, उसके लिए GK, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश और मैथ्स, ये सब आपका, और पर्सनल इंटरव्यू, तो आपकी इसमें सिलेक्शन हो सकती है। सेकंड नंबर पे है SCT सिम्बोईस UNI, जो कि पुणे में है। फ्रेंड्स, ये कॉलेज अपने टेस्ट की डेट सेकंड वीक ऑफ फेब से लेके सेकंड वीक ऑफ अप्रैल तक ओपन रखते हैं, और आप इस टेस्ट को इस डेट में भर सकते हैं। तो और ये इस टेस्ट को ये कॉलेज अपना फर्स्ट वीक ऑफ मई तक कंडक्ट कर लेते हैं, और इस टेस्ट का प्रोसीजर पिछले टेस्ट की तरह बिल्कुल सेम है। इंडिया में वैसे तो बहुत से कॉलेज हैं जिनसे आप ये कोर्स कर सकते हैं, पर ये बेस्ट कॉलेज हैं जिनसे आप एंट्रेंस टेस्ट देके इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी मास कम्युनिकेशन कोर्स की डिटेल्स। अगर आप किसके बाद कोई क्वेरी हो तो आप मेरे दिए गए कमेंट बॉक्स या कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप किसी और कोर्स के बारे में जानना हो तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को बताएं वीडियो आपको कैसे लगी। और प्लीज़ फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं और भी अच्छी सी वीडियो कोर्स से रिलेटेड अपडेट लेके आऊँगा, या आप किसी कोर्स के बारे में जानना हो तो आप पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।